हे गाइज, हमारे बहुत सारे पोको एक्स टू के वीडियोस के ऊपर मुझे एक ही कमेंट्स आ रहा है कि बेस्ट स्क्रीन गार्ड बताइए पोको एक्स टू के लिए। तो यार, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट स्क्रीन गार्ड एज वेल एज यहाँ पे कैमरा प्रोटेक्टिव एक लेंस भी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये यार दो प्रोडक्ट सबसे बेस्ट लगे मुझे पोको एक्स टू के लिए। तो यार, वीडियो को कहीं भी यहाँ पे स्किप मत करना। तो सबसे पहले हमें पोको एक्स टू के ऊपर ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो है ग्लास गोरिल्ला 5 के साथ आता है। फिर भी यार, पोको एक्स टू के ऊपर मुझे, अब मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ बिना ग्लास का, तो उसके ऊपर मुझे क्रैचेस यहाँ पे देखने को मिल गए हैं। तो यार, यहाँ पे उससे मतलब क्रैचेस से प्रोटेक्टिव रहने के लिए आपको बेस्ट यहाँ पे स्क्रीन गार्ड पहले बताने वाला हूँ। तो यार, वीडियो को कम्प्लीटली यहाँ पे देखना। तो बॉक्स के अंदर बॉक्स कुछ इस तरह आपको बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 5D ग्लास, ओके 5D ग्लास लिखा हुआ है। तो इसके अंदर एक बॉक्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और एक बॉक्स जो प्लास्टिक का है। तो यार, यहाँ पे ये स्पॉन्सर किया हुआ वीडियो है, आपको बताना चाहता हूँ। फिर भी यार, क्वालिटी काफ़ी सही लगी मुझे। और यहाँ पे यार, ये जो पैकेजिंग करके भेजते हैं, ये भी यार काफ़ी कमाल की पैकेजिंग होती है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो यहाँ पे कैमरा प्रोटेक्टिव लेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उसके साथ ए है गाइज, यहाँ पे देख सकते हो जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे मुझे स्क्रीन प्रोटेक्टर काफ़ी कमाल का लगा। तो यार, इसको हम फटाफट अपने पोको एक्स टू के ऊपर अप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जो है ड्राई और वेट। तो यहाँ पे सबसे पहले वेट वाला पेपर को आपको ओपन करके अपने पोको एक्स टू को पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन करना है। तो क्लीन करने के बाद यहाँ पे ड्राई पेपर को भी आपको खोलना है, और उससे भी यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन करना है। चाहे आपका यहाँ पे टाइम चला जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना टाइम आप ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे सरफेस क्लीन देखने को मिलेगा पोको एक्स टू का। तो यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है कि कहीं भी डस्ट पार्टिकल वगैरह या कोई भी रहना नहीं चाहिए डिस्प्ले के ऊपर। तो जिनको स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई करने के लिए नहीं आता है, तो यार ये वीडियो कम्प्लीटली देखना, आप भी सीख जाओगे। और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। और पोको एक्स टू के बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो यार अपना वीडियो सेक्शन जाके चेक कर सकते हैं। और आपके पास पोको एक्स टू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेगी। तो मेन स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर एक लेयर है नीचे के साइड में, तो आपको पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर के साइड से आप इसे निकाल सकते हैं। सिंपली प्रेस कीजिए डाउन में, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टर निकल जाएगा। और ध्यान में रखिए कि आपकी जो उंगलीज है वो अंदर के साइड से स्क्रीन प्रोटेक्टर को टच होना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि टॉप साइड कौन सा है, बॉटम साइड कौन सा है, और एक्यूरेट आपको प्लेस करना है अपने पोको एक्स टू के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो, अपने आप यहाँ पे जो एयर्स है वो जाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये पोको एक्स टू के ऊपर काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे गलती की वजह से एक डॉट रह चुका है, पर यार काफ़ी अच्छे से एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और एज टू एज प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से यार, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, और आपको भी यार इसे ऑर्डर करना चाहिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अप्लाई करते हैं कैमरा लेंस प्रोटेक्टिव, वो भी यार मुझे बढ़िया लगा। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि पोको एक्स टू में जो कैमरा बम्प है बहुत ही ज़्यादा आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे फ़ोन को कहीं भी प्लेस करते हो तो डायरेक्ट कैमरे के ऊपर पूरा का पूरा फ़ोन का लोड यहाँ पे आ जाता है, उसके वजह से कैमरे के ऊपर बहुत स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो फिर से वेट पेपर से आपको यहाँ पे कैमरा को क्लीन करना है, उसके बाद ड्राई पेपर से आपको यहाँ पे कैमरा को पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद सिंपली जो आपको कैमरा लेंस प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है उसको ओपन करके एक्यूरेट पोजीशन पे आपको यहाँ पे प्लेस करना है कैमरास के ऊपर, जो यार इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ पैकेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कैमरा लेंस प्रोटेक्टिव का। तो इसे बॉक्स से निकाल के डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे यार, इसकी भी क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी, इसे भी आप चेक कर सकते हो। तो यार मतलब
ये ब्रांड बहुत बढ़िया है। पर्सनली मैं इसे अपने K20 Pro में यूज़ किया हूँ, पोको ये फ़ोन में यूज़ किया हूँ, वन प्लस में यूज़ कर रहा हूँ और अभी इससे मतलब पोको X2 में, तो काफ़ी बढ़िया लेंस लगा मुझे ये, जो यार मैं Mi A3 में भी अप्लाई कर चुका हूँ। सो इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिंपली इस लेंस को निकाल के, तो यहाँ पे निकाल के कैमरा मॉडल्स पे एक्यूरेट यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जस्ट ड्राई पेपर से आप इसे प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत सारे स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेंगे, पर ऐसी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑर्डर कर ले।